नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम मंडी में चने की जो आवक है उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी हैं रिंकू जसोरिया। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर चने की कितनी अराइवल है और आज मंडी के अंदर चने का क्या भाव है। सबसे पहले तो रिंकू जसोरिया जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय आज चने के भाव क्या है और कितनी आवक है? चने की आवक एक तो जमींदारी सावा था कल का आका तीज का, और बाजार में ये गर्मी का मौसम चल रहा है, इस करके आवक तो घट गई। मंडी में आवक ना के बराबर है, तो 20-30-50 करके आती है, और ना आवक कोई भी नहीं है। व्यापारी माल फिर भी बिक रहे हैं, मंडियों में आवक इस टाइम बिल्कुल ना के बराबर चल रही है। तो ना के कारण जो चल रही है, क्या कारण मानते हैं इसको आप? पहला कारण तो जो माल किसानों के पास था उसमें से 75-80% माल तो बाजारों में बिक चुका है। अब किसानों के पास माल नहीं है, अब माल व्यापारियों के पास है बस, और किसानों के पास जो है वो थोड़ा बहुत माल आ रहा है। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि माल जो है वो घट चुका है और किसानों के पास भी माल नहीं है, लेकिन फिर भी भाव क्या है कि 6300-6400 रुपए आज चने के पहुंच गए हैं, तो किसको किस नजरिए से देखते हैं आप? जी हाँ, चने का भाव 6300-6400 रुपए आलपेड़ का भाव है। बाजार के अंदर चना शॉर्टेज में है, लेकिन एक भारत सरकार 60 रुपए किलो में दाल बेच रही है, जिसके कारण कि बाजार में दाल का डिमांड बहुत कम है। हमारी मिलें ना के बराबर चलती हैं, बाजार में बिल्कुल भी डिमांड नहीं। पिछली साल की अगर तुलना करें और इस साल की अगर अपन तुलना करें, तो पिछली साल कितनी चने की आवक थी, क्या भाव थे और आज कितना असर देखने को मिल रहा है? पिछले साल फसल पे चना बिका था 4500-4700 रुपये। पिछले साल आवक ये बहुत थी और पैदावार भी ज्यादा थी, इसीलिए बाजारों में 4500-4700 चना बिका था। इस साल पैदावार कमजोर है, इस करके बाजार के। तो अभी जैसे अपन चने की बात करते हैं, तो इस टाइम जैसे पहले जब शुरुआत हुई थी चने की, जब कितनी बोरियां मंडी में आ रही थी और आज कितनी बोरियां रह गई है? शुरुआत में तो मंडी में 2000 बोरी कट्टे तक आवाज चल रही थी, और घटते घटते अब तो 150 कट्टे तक आ गए, और प्राय प्राय सारी मंडी वही हाल है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है और उस जमींदारा सावा भी है, इस चक्कर में किसान भी माल कम लेके आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो आज कारण अपन मानते हैं कि जो भाव भी बढ़ चुके लेकिन पैदावार कम है, ये मानते हैं आप? जी, पैदावार बहुत कम है, और सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है कि बाजार ज्यादा तेज नहीं जावे। जैसे सरकार ने अभी चने पे 66% आयात शुल्क था वो हटाकर 0 कर दिया है। विदेशी चने भी आएंगे, सुनाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से 2 जहाज जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जा रहे थे वो हिंदुस्तान की तरफ चल रही है। तो अभी अगर अपन बात करें तो अभी चने की यही भाव रहने वाले हैं या कुछ और आगे बढ़ने की कोई आसार उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, चने का भविष्य तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार निरंतर अच्छा रहेगा, लेकिन बाजारों में गड़बड़ रहेगी। अभी फिलहाल ज्यादा तेजी नहीं आएगी क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है दाल। तो अभी जैसे आप मिलर भी हैं, आपकी मिल भी चलती है MIA के अंदर, तो कुछ स्टॉक किया हुआ है या क्या स्थिति है फिलहाल? स्टॉक तो हमें जो हमारे मिल के लिए रेगुलर स्टॉक किए वो तो रखते ही हम। हमें 5-7 दिन का माल तो चाहिए थी, अगर माल नहीं मिलेगा तो हमारी मिलें बंद हो जाएंगी, वो तो हम स्टॉक रखते हैं। तो अभी जब चना आ रहा था तो किस क्वालिटी का आ रहा था, कैसी क्वालिटी थी चने की? चने की इस साल क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, शुरुआत में चना एकदम बढ़िया आया था, पीला आया था, लेकिन अब जो क्वालिटी आ रही है चने के अंदर वो क्वालिटी हल्की आ रही है। अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, नई सरकार बनने वाली है, तो आप सरकार से किस तरह की अपील करेंगे कि भाई चने का जो भाव है एक स्थिर भी हो और आगे कुछ भाव भी बढ़े, ताकि आप लोगों को मिलरों को व्यापारी को फायदा हो? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा तेजी नहीं आवे, ज्यादा तेजी आती है तो ज्यादा दिक्कत आती है, सरकार को भी दिक्कत आती है, फिर वो सब कुछ हमेशा व्यापारी को भुगतना पड़ता है। तो अगर अभी MSP की बात करें तो चना MSP पे भी रहा है कुछ किया? नहीं, चना तो MSP से बहुत ऊंचा बिक रहा है, MSP तो 54-55 रुपए है। चने का भाव इस टाइम 64 रुपए आल पेड़ है, और भारत सरकार ने अभी ये भी निकाला है कि सरकार मार्केट रेट पे
नेफेड के द्वारा चना परचेस करें। हमारे साथ में यहाँ के जो मंडी के व्यापारी थे रिंकू जसूरिया जी, उन्होंने हमको चने के बारे में पूरे विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पहले जब चने की शुरुआत मंडी के अंदर थी, जब 3 से 4 हजार कट्टे चने की आवक थी और भाव भी जब कम थे, लेकिन अब 6400 रुपए भाव चने के हैं, लेकिन अब आवक जो है घट चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पैदावार है वो चने की बिल्कुल कम है, इस कारण से चने के जो भाव है वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो अराइवल है वो बिल्कुल कम रह गई है। नितिन शर्मा, अलवर।